बीजेपी सरकार का जो सरकार चल रहा है बुलडोजर चला के उनको मकान उकान तोड़ देते हैं। वो लफीकुल इस्लाम था, 2017 साल के 1 अगस्त तारीख में उनको कुछ दुष्कृतिकारियों ने, कुछ आतंकवादियों ने उसको मार गिराया। उन दुष्कृतिकारियों को पकड़ने के लिए हम डिमांड करते हैं उनको पकड़ के सरकार उनको सजा देना चाहिए। अगर सरकार हमारा बात ना सुने हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो हमारा डिमांड चलता रहेगा और हम आंदोलन करता रहेंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं। जनसंख्या देख सकते हैं आप लोगों की, आसाम से ये लोग आए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, क्यों आना हुआ आपका यहाँ आसाम से सीधा दिल्ली के जंतर मंतर पर, यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सॉरी मैडम, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने? मैडम, हमारे बहुत सारी मांगे हैं जो हमें पूरी वो चाहिए, पूरा चाहिए हमें, जो हमें कुछ नहीं मिल रहा है ये सब। आपने मांगे बताइए, आप मांगे क्या लेके आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं आसाम से, हमारा जो आसाम में डी बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो डाउटफुल सिटीजन बना के वो वैसे लगा दिए हैं, असल में वो इंडियन है, तो वैसे सरकार का एक पॉलिसी है, तो मुस्लिम को हरास्ती करने के लिए वो सरकार ये काम कर रहे हैं। तो डाउटफुल सिटीजन नहीं है, जो इंसान आसाम में है कोई बांग्लादेशी भी नहीं है, वो फुल्ली इंडियन है। और हमारे बहुत सारे डिमांड है, हमारा जो संगठन है ABMSU, इसका जो प्रेसिडेंट है वो लफीकुल इस्लाम था, 2017 साल के 1 अगस्त तारीख में उनको कुछ दुष्कृतिकारियों ने, कुछ आतंकवादियों ने उसको मार गिराया। तो इसके लिए हम उसका डिमांड करते हैं कि जो उनको मार गिराया है उस दुष्कृतिकारियों को अभी तक पकड़ नहीं पाया, अभी तक कोई सजा नहीं दिलवा पाया, इसलिए हम उन दुष्कृतिकारियों को पकड़ने के लिए हम डिमांड करते हैं उनको पकड़ के सरकार उनको सजा देना चाहिए। बीजेपी गो बैक के भी नारे लगा रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? असल में बीजेपी सरकार का जो सरकार चल रहा है, ये सरकार इविक्शन कर रहे हैं। कुछ आदमी ऐसा है जो नदी का पास में उनका घर है, वो सैलाब आ जाते हैं उस टाइम उनका घर मकान वो पानी में गिर जाते हैं, उस वास्ते उस टाइम वो आदमी वहाँ से भाग के दूसरे जगह घर बनाना पड़ता है। वो ओरिजिनल सिटीजन है, ओरिजिनल सिटीजन होने के बावजूद सरकार उनको बांग्लादेशी बोलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स वो सैलाब नदी में बह जाते हैं, वो आदमी का ज़िंदगी का कोई निरापत्ता नहीं रहता, इसलिए उन आदमियों को वो सरकार कहीं कहीं रहते हैं उन आदमियों को सरकार वो बुलडोजर चला के उनको मकान उकान तोड़ देते हैं। जैसे हमारा घर नदी ने बहा के ले गया तो हम कहाँ रहेंगे, कहीं तो रहना पड़ेगा, तो सरकारी कोई ज़मीन कहीं पड़ा हुआ है वहाँ हम रहे 2-4 दिन के लिए, तो सरकार हमें वो ज़मीन की जो वो नहीं देते कि तुम रहने के लिए कोई जगह। पोस्टर भी लगा हुआ है कि मुर्दाबाद, प्रमोद गुरु का जो मुर्दाबाद का पोस्टर लगा है वो क्यों? आसाम के अंदर BTR एक जगह है, तो प्रमोद गुरु जो सरकार है उस सरकार ने कहा था कि आसाम में जो आदमी रहते हैं वो BTR में जो आदमी रहते हैं सबको हम भूमि का अधिकार देंगे, वो अधिकार नहीं दे रहा है, वो भूमि का जो पट्टा है वो पट्टा भी नहीं दे रहे। हम डिमांड करते हैं कि ये प्रमोद गुरु सरकार हमें हर इंसान को जो BTR में रहते हैं सबको भूमि का पट्टा दे। लगभग आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ लगभग 300 के करीब हम आए हैं, 300 के करीब आप लोग आए हैं यहाँ पे। इससे पहले भी कोई आंदोलन कराया आपने, या पहला आंदोलन है आपका? इससे पहले हम 2017 साल के 1 अगस्त तारीख से हमारा जो प्रेसिडेंट था उनको जो आतंकवादियों ने, कुछ दुष्कृतिकारियों ने जो गोली मार के 12 गोली मार के जो गिरा मारा है, तो उनका जस्टिस के लिए हम बहुत सारे कई बार हमने डिमांड की, सरकार अभी तक उन दुष्कृतिकारियों को, उन हथियारों को अभी तक पकड़ नहीं पाया, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि सरकार उनको पकड़ के उनको सजा दे। अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है फिर आप लोग क्या करेंगे? हम अगर सरकार हमारा बात ना सुने हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो हमारा डिमांड चलता रहेगा और हम आंदोलन करता रहेंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी
जो स्वाधीनता है वो हमें मिलना चाहिए, हमारी जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने इन लोगों से बात करी, ये लोग कह रहे हैं इनको इनके अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो असम से कम करीब 300 के लोग यहाँ पे असम से लोग आए हैं, नारे लगा रहे हैं यहाँ पे, और बीजेपी गो बैक के भी नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार से इनको काफी शिकायतें हैं और कुछ मांगे भी हैं जो इनकी पूरी नहीं हुई है, उसी को लेके यहाँ पे ये लोग आए हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने 2017 में एक आंदोलन करा था, उसके बाद से ये लोग करे जा रहे हैं आंदोलन, और कह रहे हैं अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो ये ऐसे आंदोलन जारी रहेगा। अब देखते हैं सरकार इनकी कब तक सुनती है। बाकी इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजान, जनित आवाज़।